दोस्तों कोई भी कमर्शियल वाहन हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, टैक्सी हो, बस हो या फिर ट्रक हो, हम जानते हैं कि लगभग हर गाड़ी जो है वो फाइनेंस पर खरीदी जाती है। और जब आप लोन लेने जाते हैं, फाइनेंस कराने जाते हैं, तो आपसे एक गारंटर मांगा जाता है। बहुत सारे लोग गारंटी दे देते हैं उसके अंदर, उनको लगता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर जो असली मालिक है वो लोन चुकता ना कर सका तो उसको लोन की चुकाने की जिम्मेवारी गारंटर के ऊपर आ जाएगी। और इसको लेकर बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। बिना किसी गलती के पूरी जो लायबिलिटी है वो गारंटर के ऊपर आ जाती है। गारंटरों की गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं, गारंटरों को एनओसी नहीं मिलती उनकी खुद की गाड़ियों की। तो आज एक बड़ा सवाल मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2014 के विच लोन मेरा सारा क्लियर हो गया, तो जब मैं चोलामंडलम कंपनी के विच गया एनओसी वास्ते, तो उन्होंने एनओसी देने वास्ते मना करता है। वो कहते भी थोड़ी गलत भी एक गरंटी पाई हुई है, जब कि वह लोन क्लीयर नहीं होता तो एनओसी जारी नहीं करते, थोड़ी गड्डी बिल्कुल कबाड़ दे पावे बेची जाएगी, पर थोनू असी एनओसी नहीं देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये समय आ गया है कि किसी की भी गाड़ी की गारंटी नहीं देनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं किसी की गाड़ी की गारंटी नहीं दूंगा तो कोई और मेरी गाड़ी की गारंटी नहीं देगा। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी की गाड़ी की गारंटी ना दे उससे होगा क्या? ये फाइनेंस कंपनियां अपना धंधा करना थोड़ी छोड़ देंगी, वो कोई और तरीका अपना लेंगी। इनको क्यों गारंटी चाहिए? अगर इनको किसी को लोन देना है तो दें, नहीं देना तो ना दें, उसकी सिविल रिपोर्ट देखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। किसी और थर्ड पर्सन की गारंटी की जरूरत ही क्या है? ये सवाल मैं आज इसलिए भी पूछ रहा हूँ जिसका आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि जो चीज़ हम आज ग्राउंड रिपोर्ट में डिस्कस करने लगे हैं उसमें एक शख्स ऐसे ही फंस गया है। इस व्यक्ति ने किसी की गारंटी दे दी थी और आज 8 साल हो गए हैं ये धक्के खा रहा है। पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि क्या केस है इस ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जरनैल सिंह हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। 2010 में इन्होंने एक मैक्स पिकअप गाड़ी खरीदी थी, चोला मंडलम से उस गाड़ी का फाइनेंस कराया था 2,20,000 रुपया और उसको चुकता भी कर दिया, बिल्कुल लोन क्लियर कर दिया 2014 में। 2,20,000 की जो भी रकम थी वो क्लियर कर दी, लेकिन 2014 से 2022 आ गया है, इनको उस लोन की एनओसी नहीं मिली है। और जब तक एनओसी नहीं मिलती वो उस गाड़ी को जो है हम सब जानते हैं वो आगे बेच नहीं सकते हैं। और 8 साल हो गए हैं, टोटल गाड़ी 12 साल पुरानी हो गई है, 8 साल से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। क्यों एनओसी नहीं मिली? कोर्ट में भी जा चुके हैं तब भी नहीं मिली। अब मैं आपको क्विकली केस समझा देता हूँ, बहुत उलझा हुआ केस है लेकिन बड़े मैं आसान करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि गारंटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब हुआ ये कि इन्होंने एक गारंटी दे दी थी, जगन सिंह हैं, दोस्त होंगे, उनकी गाड़ी की इन्होंने गारंटी दे दी, टवेरा उस बंदे ने खरीदी थी 2014 में चोलामंडलम से ही, तो उसकी इन्होंने गारंटी दे दी। वो व्यक्ति किसी और को गाड़ी दे देता है, आगे बेच देता है या चलाने के लिए दे देता है, और खुद की उसकी उसके बाद 2015 में डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई, उससे पहले वो गाड़ी किसी और को दे गया, उस व्यक्ति ने कोई किस्तें नहीं भरी, अब जिम्मेवारी किसकी हो गई? गारंटर की। और वो लोन कितना है? 3,35,387 रुपये जो है वो बकाया है। तो अब जब उस गाड़ी की किस्तें नहीं भरी तो अब जो कंपनी है चोलामंडलम वो इनको ये कह रही है कि आपकी एनओसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उस गाड़ी का जो लोन है वो चुकता नहीं होगा, और वो लोन है 3,35,000 के करीब। तो उसके बाद किया क्या इन्होंने, जरनैल सिंह जी ने एक केस डाल दिया कंज्यूमर कोर्ट में अपनी गाड़ी की एनओसी लेने के लिए, और ये जो मुकदमा था इन्होंने 2017 में कंज्यूमर कोर्ट में डाला, और जिसका फैसला अभी 2022 में आया है। चलिए जरनैल सिंह को एनओसी तो नहीं मिली, ये तो एक अलग समस्या है, उससे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई कि हम जब लोन लेते हैं ना तो कई सारे साइन करते रहते हैं, फटाफट लोन लेने की जल्दी होती है, 50-100 पेज होते हैं साइन कर देते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि फाइनेंस कंपनी आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकती है अगर कोई डिस्प्यूट होता है। आर्बिट्रेटर एक बिचौलिया होता है जो समझौता कराता है। अब कंपनी ने खुद ही एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया और वो चेन्नई में कर दिया, 2,500 किलोमीटर लगभग बनता है राजस्थान से, और उसने पहले नोटिस भेजे जगन सिंह को
2016 में 2-3 बार नोटिस भेजे कि आप इस पेशी में हाजिर हो, जो भी उन्होंने अपनी वहां पर वो करी होगी, कचहरी लगाई होगी, लेकिन वो नहीं पहुंचे और उसके बाद एक अवार्ड घोषित कर दिया कि 3,35,000 रुपये और 387 रुपये देने हैं। लेकिन अब जगन सिंह की तो मौत हो चुकी है, भरने किसने थे? तो उसके बाद ये हुआ कि अब इसके अंदर जो गारंटर है जरनैल सिंह, उनको भी नोटिस आ गया कि तुम्हारी गाड़ी पकड़ लेंगे क्योंकि तुम गारंटर हो, और उनके भाई को भी नोटिस जाने लगे। एक तो एनओसी का केस अलग चल रहा है, उलझिएगा मत। तो इस नोटिस के बाद गारंटर और जगन सिंह के भाई गुरबचन सिंह, ये दोनों पहुंचते हैं कोर्ट इसके खिलाफ के ये परेशान कर रही है हमें कंपनी जो है, और जो हमें आर्बिट्रेटर ने बोल दिया 3,35,000 रुपये जमा कराओ। तो उसके ऊपर कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुना दिया कि एक मृतक व्यक्ति जिसकी मौत होगी 2015 में, तुम लोग उसको 2016 में नोटिस भेज रहे हो और उसके खिलाफ ऑर्डर भी पारित कर दिया, और कानूनन जो बंदा एक मृतक है उसके खिलाफ कोई ऑर्डर इस तरीके का पास नहीं हो सकता है। तो उस केस में आपका जो क्लेम है 3,35,000 रुपये का, और जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने बोला था कि देने हैं, वो कैंसिल किया जाता है। तो उसमें ये दोनों केस जीत गए। अब इसके बाद पहुंचता है जरनैल सिंह कंज्यूमर कोर्ट में कि देखो जी, मैं वहां पर केस जो है वो जीत गया हूं, कोई देनदारी बनती नहीं है, मेरी एनओसी मुझे दी जाए, आप ऐसा हुक्म कीजिए। तो 2022 में अब फैसला आया 8 साल बाद, और उसके अंदर कोर्ट ने ये बोल दिया कंज्यूमर कोर्ट ने कि उसकी एनओसी दो, उसको जो लोन तुमने दिया था उसकी गाड़ी पे, वो 2014 में भर चुका, उसकी एनओसी तुम नहीं रोक सकते हो। और ये जो गारंटी वाला मसला है वो एक अलग मसला है, उसका एनओसी से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि आपने जिस गाड़ी का लोन भर दिया उसकी एनओसी आपको जरूर मिलेगी, आप किसी और के इसमें गारंटर हैं उसका एक अलग मसला है, वो अलग चलेगा, लेकिन उस चक्कर में आपकी गाड़ी की एनओसी नहीं रुक सकती। ये भी एक अच्छा फैसला है। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। खैर, इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि इस ऑर्डर के बाद भी, ये अभी जून 2022 में ऑर्डर आया है और अब अगस्त चल रहा है, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया समा, लेकिन अभी भी चोलामंडलम कंपनी ने एनओसी नहीं दी है। वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, अभी हम और केस लड़ेंगे, जबकि वो पहले कोर्ट में केस हार चुके हैं 3,35,000 वाला 2019 में, 3 साल कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जब ये कंज्यूमर कोर्ट में भी हार गए हैं, तो अब कह रहे हैं हम आगे हाई कोर्ट में जाएंगे। तो एक तरीके से तंग करना, वो ये कह रहे हैं, दावा है जरनैल सिंह का कि मुझे, वो अनऑफिशियली ये बोलते हैं कि तेरी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी जब तक हम तुम्हें एनओसी देंगे। तो एक तरीके से शायद खुंदक निकाली जा रही है या क्या है, समझ से परे है। तो इसीलिए मैं अब बड़े सवाल पर आता हूं, जो मैंने शुरू में पूछा कि क्या ये गारंटी वाला सिस्टम ही खत्म नहीं कर देना चाहिए? फाइनेंस कंपनियों को लोन देना है तो दे, वो कोई आसान नहीं कर रही है, अरबों खरबों का बिजनेस है ये, आप लोग पैसा कमा के दे रहे हो उनको। तो ये अगर पूरी इंडस्ट्री ही, बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्री ऐसे कामों पर इकट्ठा नहीं होती है, समझ से परे है, गारंटी का सिस्टम ही क्यों नहीं खत्म कर देते? किसी कोई भी किसी की गाड़ी की गारंटी नहीं देगा भाई, उनको लोन देना है दो तो नहीं देना ना दो, जितनी मजबूरी आपकी लोन लेने की है उससे ज्यादा मजबूरी कंपनियों को लोन देने की है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर इसके ऊपर एक धीरे धीरे सही साल दो साल में अगर ये राय बन सके, ये गारंटी का सिस्टम खत्म होना चाहिए, या फिर गारंटर की इतनी ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब उसकी क्या कसूर है कि अगर उसने किसी दोस्त की गारंटी दे दी, वो ज्यादा से ज्यादा ये दे सकता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये यहाँ पर रहता है, इतनी गारंटी हो सकती है, इससे ज्यादा कि उसकी लाइबिलिटी मेरी हो गई, ये तो कोई बात ना बनी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस से आपकी जानकारी में भी इजाफा हुआ होगा, लेकिन इसके साथ ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हमें राय की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।